हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज की ये रीडिंग्स 8-8 पोर्टल पर बेस्ड है, यानी कि 8 अगस्त, इसको हम लाइन गेट पोर्टल भी कहेंगे गाइस। तो इस पोर्टल के तहत आपके और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लायन गेट पोर्टल पर होता क्या है, व्हाट इज दिस 8-8 पोर्टल। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक लियो सीजन चल रहा है, और जब सन की पोजीशन लियो में स्टेप इन करती है तो आप सभी के लिए लायंस गेट की ओपनिंग बिगिन होती है, और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, सभी की जिंदगियों में एक एक स्ट्रगल चला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो। किसी की लाइफ का कुछ सिनेरियो है और किसी की लाइफ का कुछ अदर सिनेरियो है। आपकी जिंदगी में जो भी एक फेज आप अभी देख रहे हो, फेस कर रहे हो, वहां पर 100% एक स्ट्रगल तो जरूर आप सेंस कर ही रहे होंगे। और जब लायन गेट पोर्टल आपकी जिंदगी में अपियर होता है तो वहां से कॉस्मिक इवेंट्स की बिगिनिंग शुरू हो जाती है आप सभी की जिंदगी में। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, आपके और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में ग्रेट लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी गाइस। इनफैक्ट अभी आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हो, जहां पर आइदर आप दोनों ही अपने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो। कई सारे पास्ट की चीजें आपके फोर फ्रंट पर आकर खड़ी हो गई हैं, जो हीलिंग चाहती हैं, आपसे हीलिंग मांग रही हैं, वो सारे वूंड्स आपसे हीलिंग चाहते हैं। आपने देखा होगा आपके अंदर या आपके मैस्कुलिन के अंदर कुछ फियर्स पॉपअप हुए हैं ऑल ऑफ अ सडन। एक गिल्ट में आप चल रहे होंगे, पास्ट से रिलेटेड आपको कई सारी बातें याद आ रही होंगी, कि कर्मा से रिलेटेड या फिर पास्ट में आपने एक दूसरे को जो भी वूंड्स दिए हैं, एक दूसरे को जो भी हर्ट किया है, अगर एक दूसरे को नहीं तो आपने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को कोई भी पेन दिया हो, जाने अनजाने में कुछ गलत किया हो किसी के साथ, तो ये सारी बातें ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में हॉन्ट होना, इट मीन्स दैट यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन हियर। और ये इम्पैक्ट तभी आया है आप पर जब लायन गेट की ओपनिंग आपकी जिंदगी में अपियर हुई है। तो इस पोर्टल के चलते आप लोग अपनी जिंदगी में वो एक ब्राइटर साइड देख सकोगे। अगर आप गिल्ट में चल रहे हो तो एक ब्राइटर साइड वहां पर भी आप देख सकोगे। वो कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आप सीरियसली उसी रास्ते पर चल रहे हो जहां पर इवेंचुअली आप वो एक ब्राइटनेस देख सकते हो। यहां पर सन की एनर्जीज आपकी जिंदगी में अपियर होने वाली, इट मींस दैट एक क्लैरिटी, एक ऑप्टिमिज्म, एक कॉन्फिडेंस। अगर आप डर रहे हो अपने पास्ट के फियर्स की वजह से, पास्ट के कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, तो वो सारी चीजें वैनिश हो जाएंगी। कई सारे लोगों की लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स भी होंगे, अगर अपने कार्मिक पार्टनर से आप डरते हो, फियरफुल हो, पता नहीं कि क्या मुझे करना चाहिए, इस कार्मिक पार्टनर को क्या मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, या फिर इस कार्मिक सिचुएशन को क्या मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में पॉपअप हुए हैं तो जस्ट पेशेंस रखिए गाइस, क्योंकि लायन गेट पोर्टल आपको एक स्ट्रेंथ भी देता है। मतलब एक पेशेंस बनाकर रखना, एक अपने अंदर रेजिस्टेंस बनाकर रखना भी सिखाता है, ताकि इवेंचुअली आप जिस भी डायरेक्शन पर प्रोसीड हो रहे हो अपनी लाइफ की, किसी भी डायरेक्शन पर प्रोसीड हो रहे हो, वहां पर आप एक कंट्रोलिंग वे में एक स्ट्रेंथ रखते हुए आगे बढ़ते जाएं और एक सक्सेस अचीव करें। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पोर्टल का मीनिंग एग्जैक्टली यही है। अगर आपकी जिंदगी में भी किसी बात को लेकर एक स्ट्रगल बना हुआ है, एक फियरफुल एनर्जीज बनी हुई हैं, तो उस फियर का इवेंचुअली एक एंड आने वाला है। आपको अपने अंदर एक लायन की तरह एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है अगर आप एक रेजिस्टेंस, एक कंट्रोल प्रैक्टिस करोगे तो। राइट, उस फियर से लड़िए,
उस फियर से भागिएगा मत, जो भी फियर आपको सता रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, उस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे भागना मत कभी, क्योंकि ये पोर्टल जब आपके लाइफ में आया है तो ये आपको कई सारी चीज़ों को समझने में मदद करेगा। अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से भागना नहीं है, उसे फेस करना है और उसको हील करना है, बस यही मतलब है इस पोर्टल का। अब देखते हैं एनर्जी वाइज इस पोर्टल पर आप लोगों की एनर्जीज किस वे में प्रोसीड होती है। जैसे कि आप देख सकते हो द मून, द हर्मिट, प्रिंस ऑफ ऑटम, तो यहाँ पर आपके और आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। द मून प्रोबेबली आप दोनों ही की एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप दोनों मिरर कर रहे हो, मैं ये कहना चाहती हूँ। कई सारे सिचुएशंस में आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बहुत ही डीप लेवल्स पर। इस कार्ड में लिखा है पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। अगर ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको, तो ये ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन शायद अपने किसी फियर से लड़ रहे हैं जो प्रोबेबली आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे कोई ऐसी बात जुड़ी हुई है। आइदर इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, या फिर आपको इन्होंने हर्ट किया था, और इस बात का गम इन्हें है। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर आपने इन्हें धोखा दिया था, आपने इन्हें चीट किया था, इन्हें हर्ट किया था, इनके साथ गलत बिहेवियर अगर आपने रखा था, इनजस्टिस किया था, तो उस चीज़ का फियर इन्हें आज भी सताता है। तो कहने का ये मतलब है ये किसी फियर से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी अननोन ट्रूथ से ये लड़ रहे हैं, इन्हें नहीं पता एग्जैक्टली इन्हें क्या करना चाहिए। एक अनसर्टेनिटी, एक अनक्लैरिटी, क्लैरिटी ये अपने पाथ पर बिल्कुल भी शायद देख नहीं पा रहे होंगे कि इन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, राइट? अगर इन्हें कोई स्टेप लेना है तो उस स्टेप को ये ले भी या नहीं इन्हें नहीं पता। और जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में बनी हुई है, उस सिचुएशन की सच्चाई को ये नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्हें एक डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके मैस्कुलिन अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं तो आप इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये इनका ओन कर्मा है, इन्हें अपने लेसन्स खुद से सीखने होंगे, आप इनकी किसी भी वे में मदद नहीं कर सकते। फाइन, आप बस इतना कर सकते हो कि इनका इंतज़ार अगर आप कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक ये अपने उन सारे फियर्स से लड़ ना लें, उन सारे फियर्स को फेस ना कर लें, अपने कर्मा को पूरी तरीके से हील ना कर लें, तब तक आपको इनके लिए एक पेशेंटली वे में बने रहना पड़ेगा, इनका इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखना चाहते हो तो। यहाँ पर द हर्मिट वाली एनर्जीज हैं, फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, अ कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो अब आपके मैस्कुलिन क्या करेंगे, ये एक सोशल लाइफ से डिसकनेक्ट में चले जाएंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप यही होता है। अगर कोई पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है तो एक साइन आप उसमें ये नोटिस कर सकते हो कि वो सडनली लोगों से डिटैच्ड हो जाएगा, वो इंसान लोगों से बात करना कम कर देगा या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, वो अपने ही एक मैन या वुमन केव में चला जाएगा, जहाँ पर वो कई सारी चीज़ों को एनालाइज कर सके। आपके मैस्कुलिन के लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत होगा, जैसे कि ये आइदर बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे या फिर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा जो इन्हें अकेला छोड़ता नहीं होगा, राइट? और या फिर इनके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो हर टाइम इन्हें किसी ना किसी बात के लिए डिस्टर्ब कर देते होंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें एक लोन टाइम लेना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आइदर ये
कहीं वॉक अवे हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेंगे, यू नो ट्रैवल करके कहीं दूर चले जाएंगे उन सब लोगों से, या फिर ये खुद को उन सब से डिटैच करने के लिए जो भी ये कर सकें ऐसा कुछ ये सिनेरियो सेटअप कर लेंगे। और शायद इन्होंने ऑलरेडी किया होगा, अगर ये आपसे बिना बताए वॉक अवे हो गए हैं तो इन्हें कुछ टाइम चाहिए गाइस। ये अपने ज़िंदगी के कई सारी रियलिटीज़ को एट दिस टाइम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। और अगर इन्हें लगता था कि ये आपसे अगर दूर चले जाएं तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन सही हो नहीं रही हैं, ये और भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दस्ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही होता है अगर हमारा किसी पर्सन के साथ एक गिव एंड टेक बच रहा होता है और हम उस पर्सन से दूर भागने की कोशिश करते हैं तो हम सुकून से नहीं रह पाते। उस पर्सन की बातें हमें याद आती हैं या फिर उस पर्सन की हमें याद आ रही होती है और वो बार बार एक पिंचिंग होती रहती कि हमने कुछ तो गलत किया है। और ये समझ लीजिएगा गाइस, ये जो फीलिंग है ना वो बहुत ही हैवी होती है, कोई इस फीलिंग के साथ नहीं जी सकता। ये फीलिंग मैं कह सकती हूँ आपकी भी हो सकती है। अगर आपने अपने पर्सन से वॉक अवे होने का सोच लिया था, अगर आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन से आप दूर जाकर अपनी एक अलग से ज़िंदगी बसा लोगे या फिर खुद को कहीं और किसी और डायरेक्शन में प्रोसीड कर लोगे और ये आपसे अगर हो नहीं पा रहा है तो कुछ हॉन्टिंग अगर आपको हो रही है कि इस पर्सन के साथ आप चीट नहीं कर सकते या फिर इस पर्सन से आप वॉक अवे नहीं हो सकते, पास्ट के इवेंट्स अगर आपको बार बार याद आ रहे हैं तो इट रियली मीन्स दैट कि यहाँ पर कुछ बच रहा है, कुछ बाकी है, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो शायद आपने भी कुछ टाइम तक लोगों से ब्रेक लिया होगा, आपको भी सभी से सोशलाइजिंग करना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपका ध्यान कहीं और ही है, आप नाराज हो, सैड हो, यू नो आप अपने किसी गिल्ट को फेस कर रहे होंगे। गिल्ट सबके अंदर होता है गाइस, कभी ना कभी हमने किसी ना किसी के साथ गलत किया ही होगा, यू नो जाने अनजाने में ही सही, हमें नहीं पता होता कि हम किसको किस वे में हर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और जब वो मिस्टेक्स हमें याद आ रही होती हैं तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपको उन सारे मिस्टेक्स को याद करके उन सारे मिस्टेक्स के लिए आपको माफ़ी मांगनी है। गिल्ट में रहना गलत बात है, अगर उस गिल्ट को आप ओवरकम करने का कोई ऑप्शन देख सकते हो अपने आँखों के सामने तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। वो कहते हैं ना कि नाउ और नेवर, अगर आप आज नहीं कर सकोगे अपने गिल्ट को सही करने के लिए तो फिर आप आगे भी कभी नहीं कर पाओगे। तो जो मौका आपको मिलता है उस गिल्ट को सुधारने के लिए तो जस्ट गो फॉर इट, उन सारी मिस्टेक्स को सही करने की कोशिश कीजिए अगर आपके हाथ में है तो। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको आप उन सारे मिस्टेक्स को सुधार सकते हो जिससे, तो आपको भगवान से यहाँ पर माफ़ी ही मांगनी पड़ेगी क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे। अगर आप उस पर्सन से माफ़ी नहीं सीख कर सकते तो आप एटलीस्ट गॉड से एक फॉरगिवनेस रख सकते हो, वहाँ से आप माफ़ी मांग सकते हो और एक मौका मांग सकते हो यूनिवर्स से कि आपने जो जो भी मिस्टेक्स किए थे पास्ट में उन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए एक मौका आपको मिल जाए। बस उस मौके को बस मांगते रहिए, वो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, वो मौका आज ना कल आपको मिल ही जाएगा और वहाँ पर ये जो सारी कसर है आपने पास्ट में जो जो भी गलतियाँ की हैं उसको सुधारने की कोशिश आप कर सकते हो। यही आपने करना है गाइस, यही आपको आज का ये जो पोर्टल है इसी बात की गाइडेंस देता है, इसी बात की सजेशन देता है कि आपको यूनिवर्स से एक और अपॉर्चुनिटी सीख करनी चाहिए। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर्स। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली वही कहा कि एक वाइज एक्शन लेना है अभी आपको। अगर आपको यूनिवर्स ने इवेंचुअली एक मौका दे दिया जिस भी सिचुएशन पर आप काम करना चाहते हो, उस सिचुएशन पर काम करने के लिए इवेंचुअली आपको मौका मिल गया तो जस्ट डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी गाइस। उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर 100% आपको फायदा उठाना है और ये अपॉर्चुनिटी आपको अराउंड द ऑटम सीजन मिल जाएगी, यानी कि बहुत लोगों के लिए सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड नवम्बर।
इन 3 महीनों में कभी भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठाना है, एक्शन आपकी तरफ बनता है और वो एक्शन आप लोगों के लिए एक समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। वहां पर जो भी आपका एक्शन होगा उसी पर आपकी एक समझ लो फ्यूचर की एनर्जी डिपेंड करती है, जहां पर आप अपने फ्यूचर को एक ब्राइटर वे की तरफ ले जा सकते हो। वो कहते हैं ना, एक सिंगल चांस आपको मिलेगा। और अगर आप अपने पर्सन की तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी एक्शन आपको इसी सीजन के अराउंड मिलेगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये जो 3 मंथ्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन 3 मंथ्स में आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, हीलिंग भी होगी और आप लोगों को फ्यूचर की तरफ बढ़ने का एक नया रास्ता आपको नजर आएगा कि आप वहां से डिसाइड कर सकोगे कि अपना फ्यूचर आप कैसे बिल्ड करोगे। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको हासिल करने के लिए एक मौका आपको दिया जाएगा और वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहां से आप डिसाइड कर सकोगे कि आप अपने फ्यूचर को कैसे बनाओगे, यू नो। तो यही मैं कहूंगी आप लोगों से कि इस समय आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिएगा गाइस, और यूनिवर्स से उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की मांग करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेयर्स हमेशा आपकी सुनी जाती हैं। और अगर आप उसमें एक इंटेंसिटी शो करोगे, एक शिद्दत शो करोगे, तो वो जल्द से जल्द आपकी तरफ प्रेजेंट की जाएगी, यू नो। तो मांगते रहिए, मांगने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन उसमें एक शिद्दत रखिए, जिद कीजिए यूनिवर्स से, गॉड से जिद कीजिए कि मुझे वो एक मौका मुझे मिल जाए, बस उस मौके में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी या ठीक कर दूंगा, यू नो। यही आपने करना है गाइस। और जब आप एक डेडिकेशन में आओगे तो क्योंकि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, उनको भी एक डेडिकेशन, एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी आप लोगों से, फाइन। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वंड्स। तो इन कार्ड्स को देखकर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज्यादा आइदर बिजी हैं या फिर ये किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो चीजों को अपनी जिंदगी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास शायद वो सारे ऑप्शंस होंगे जहां पर ये इन दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस कर सकें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इन्हें कुछ पास्ट की चीजें याद आती हैं, कुछ फियर्स हैं इनके दिल में, इन्हें पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो पाता है आप पर या फिर उस सिचुएशन पर, जहां पर ये बिना किसी हेसिटेशन के, बिना किसी चिंता के आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये कंट्रोलिंग सिचुएशंस में खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोर ओवर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके अंदर अगर किसी बात को लेकर एक फियर है या गिल्ट है, तो जब तक ये उस गिल्ट को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाते, अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आते, ये शायद इसी वे में आपके साथ बने रहेंगे। इनका एक जो बिहेवियर है वो इसी वे में बना रहेगा। तो आई रियली होप गाइस कि ये जो पोर्टल है इनकी मदद करे, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर हो जाए, जहां से ये अपने अंदर वो एक स्ट्रेंथ गैदर कर सके। यहाँ पर 7 ऑफ वंड्स एंड 5 सूट्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि जहां पर भी ये बने हुए हैं, अगर ये आपसे, मैंने जैसे कि कहा ना आपको इनिशियली, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर ये इनको लगता था कि आपसे भाग कर ये अपनी जिंदगी में एक बेटर पर्सन बन सकेंगे या फिर अपनी जिंदगी को एक बेटर डायरेक्शन की तरफ पुश कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से इन्हें आपके पास कमबैक करना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि आपके बगैर इनकी जिंदगी खोखली है, यू नो। इनकी इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है आपके बगैर, आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ इनकी एक अल्टीमेट डिजायर जुड़ी हुई है। यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू अ रियली वेरी हार्ड टाइम। इनकी जिंदगी में कुछ तो बहुत ही ज्यादा हैवी चल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी गाइस। हमने इनकी एनर्जीज मून वाली देखी थी, तो ये जहां पर भी बने हुए हैं ये खुश तो बिल्कुल नहीं है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। यूनिवर्स ने इनकी जिंदगी में ऑलरेडी एक एडवर्सिटी को इनिशिएट कर दिया है गाइस। अब देखना ये है कि इस एडवर्सिटी के चलते ये अपने अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, यू नो।
और कहीं ना कहीं ये एक कह सकती हूँ ना, एक इंटर रिलेशन होगा आपके और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में। आप खुद को जितना ट्रांसफॉर्म करोगे, आपके पर्सन उतने ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज में आएंगे, यू नो। और जितनी इंस्पिरेशन आप अपने अंदर बिल्टअप करोगे, उतनी ही इंस्पिरेशन इनके अंदर भी बिल्टअप होगी। तो यू गाइज आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, जैसे कि सोल लेवल पर भी ले लो, 5D लेवल पर, जैसे कि आप अपने हायर सेल्फ को जिस हद तक कनेक्ट कर पाओगे, यूनिवर्स से जिस हद तक आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे, उसी हद तक आपके मैस्कुलिन भी कनेक्ट कर पाएंगे, और वहाँ से आप एक दूसरे को वो जो डाउनलोड्स हैं वो शेयर कर सकोगे, और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर सकोगे। तो स्ट्रगल आपकी भी ज़िंदगी में चल रहा है, इनकी भी ज़िंदगी में चल रहा है। अब स्ट्रेंथ देने की जहाँ पर बारी आती है, तो आप दोनों ही को एक दूसरे को वो स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, इंस्पिरेशन देनी पड़ेगी, ताकि आप इवेंचुअली अपने उस फियर से लड़कर उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बिल्टअप करके एक नेक्स्ट एक्शन ले सकें। ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस, करंट एनर्जीज। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा भी आपसे कि आप दोनों ही की एनर्जीज काफी सारे वेज में मिरर कर रही हैं यहाँ पर। द मून वाली एनर्जीज आपकी भी हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में डिस्टर्ब्ड हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, सैड हो, गिल्टी हो, और इवन आपको फियर्स हैं कई तरह के। तो इन सारे फियर्स को आपने फेस करना होगा गाइस, और गिल्ट में रहकर कोई भी इंसान किसी भी मैनिफेस्टेशन को नहीं रख सकता। तो आपको इस गिल्ट से रिलीज होना पड़ेगा। इस गिल्ट से रिलीज होने के लिए आपको एक इनर वर्क रखना पड़ेगा, यू नो, स्ट्रेंथ मांगिए। और ये जो आज का पोर्टल है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए ही आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर, तो जस्ट डोंट वरी गाइस, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक बेटर डायरेक्शन की तरफ ही लीड हो रही हैं। अगर आप सैड हो तो अपने फियर्स को अंडरस्टैंड कीजिए कि किस वजह से आप सैड हो, और उन सारे फियर्स को आप कैसे कॉन्कर कर सकते हो, खुद से पूछिए, यू नो, मेडिटेशन में जाइए, अपने आप को एक चेयरफुल एनर्जीज में बनाकर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे का जो रास्ता है उस पर आप बहुत ही ब्यूटीफुली एक कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ सकें। मेरा कहने का यही मतलब है कि एक गिल्ट या एक फियर को अपने अंदर जगह बनाने मत दीजिए। जब आप ऐसा फील करते रहोगे कंटिन्यूस वे में, आप एक पेन रिलीज करोगे। जब आप पेन रिलीज करोगे, आपके मैस्कुलिन पर वही रिफ्लेक्ट होगा, पेन ही रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको पहले इन्हें माफ कर देना होगा। कई सारी सिचुएशन में ऐसा भी हुआ होगा कि आपके मैस्कुलिन ने आपको पास्ट इवेंट्स में अगर हर्ट किया था, मतलब वो ग्रज जो आपके अंदर बनी हुई है, उस ग्रज को आपने पूरी तरीके से रिलीज करना होगा। मैनिफेस्टेशन को रखने का भी एक तरीका होता है गाइस। तो मैनिफेस्टेशन, अगर आप अपने पर्सन से एक फॉरगिवनेस चाहते हो, ये आपके पास आकर माफ़ी मांगे अगर ये चाहते हो, तो आपको पहले इन्हें माफ़ करना पड़ेगा, तभी ये हो सकेगा। जब आप इन्हें पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे, तब ये आएंगे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। अगर आप ग्रज रख कर बैठे हो कि मैं आने तो दो, देख ही लेंगे, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा आपका एक बिहेवियर है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइस। अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप किसी को पूरे दिल से माफ़ कर दोगे, तभी उस पर्सन के अंदर वो एक पॉजिटिव फीलिंग बिल्टअप होगी, वो भी आप ही की तरह सोचने लगेंगे। जब अपने दिल को साफ कर ही लिया है, अपने हार्ट को एक लाइटन वे में आपने बना ही लिया है, तो आपके मैस्कुलिन भी आपको मिरर करेंगे, और जो भी आप चाह रहे हो उनसे सुनना, वही वो आकर आपसे कहेंगे, यू नो। तो यहाँ पर बहुत सारा इनर वर्क लगेगा गाइस, जो आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एनर्जीज यही कहती हैं कि इट्स मोर अबाउट लॉट ऑफ इनर वर्क, यू नो। आपको कई सारे वेज में खुद पर काम करना पड़ेगा। आपके जो जो भी वीक पॉइंट्स हैं गाइस, उसको स्ट्रांग बनाइए, यू नो। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन विल हेल्प यू आउट गाइस। अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए, राइट। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हो, तो वहाँ पर आप एक गिल्ट से भी आज़ाद हो जाओगे और किसी को माफ़ भी कर सकोगे, राइट। आइदर आप शायद गिल्टी हो, किसी से माफ़ी चाहते हो, या फिर किसी को
आप माफ नहीं कर पा रहे हो। ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है आपकी जिंदगी में, तो आपको देखना होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। अगर माफ करने की बारी आ रही है तो माफ कर दो ना, कौन सी बड़ी बात है। अगर आप गिल्टी हो तो उस गिल्ट से रिलीज होने के लिए आप पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि जो भी मिस्टेक हुई है आप उसको सुधार सकते हो क्या। फाइन, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है सुधारने की तो जस्ट गो फॉर इट, एक मौका मांगिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स वो मौका आपको देगा। क्योंकि हर एक इंसान को एक मौका मिलता ही है सब कुछ ठीक करने का, तो उस मौके का आपने फायदा उठाना है गाइस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक हैवी वे में इनर वर्क लगता है, तो अपने सारे चक्रास पर जब आप काम करना शुरू करोगे, जो भी मैं यहाँ पर बातें आपको बता रही हूँ तब आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर कई सारे लोगों को शायद मेरी बातें उस हद तक समझ में नहीं आ रही होंगी, जब आप एक इनर वर्क स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सवाल है गाइस, यहाँ से आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। एक कॉस्मिक इवेंट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जहां से आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसी सेम ओल्ड पैटर्न से अगर आप लोग निकलना चाहते हो तो आपको इनर वर्क रखनी होगी, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना होगा और तब आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में एक बहार आ जाएगी। सब कुछ आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही आपको होता हुआ नजर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देखते हैं वॉट आर द फ्यूचर एनर्जीज। टेन ऑफ वॉन्ट्स, द वर्ल्ड, द टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। तो इन सारे कार्ड्स को भी देखकर आपको आइडिया मिल ही रहा होगा कि आप लोगों की एनर्जीज किस वे में प्रोसीड होने वाली हैं। टेन ऑफ वॉन्ट्स इज द कार्ड ऑफ बर्डन, राइट? आप लोगों की जिंदगी में जो भी एक बर्डन बना हुआ है, आपके मैस्कुलिन की जिंदगी में एक जो भी बर्डन बना हुआ है, वो बर्डन इवेंचुअली रिलीज होने वाला है। एक गिल्ट का बर्डन हो, एक फियर का बर्डन हो, या फिर जिस भी बात को लेकर आपके मैस्कुलिन और आप एक बर्डन में बने हुए हो, वो बर्डन इवेंचुअली रिलीज होगा। द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन, आपका जो भी एक डिफिकल्ट फेज है वो एंड होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होगी। जब कुछ खत्म होता है तो कुछ शुरू होता है, राइट? तो आपकी जिंदगी का ये जो डिफिकल्ट फेज है, जो एक स्टैग्नेंट फेज है, वो इवेंचुअली खत्म होगा गाइस, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाली है। यहाँ पर द टेम्परेंस वाले एनर्जीज हैं। टेम्परेंस टॉक्स अबाउट द बैलेंस, राइट? जो भी आप दोनों की जिंदगी में बैलेंस नहीं था वो बैलेंस आप फाइनली देख सकोगे। जो भी आप उम्मीद कर रहे हो यूनिवर्स से, जो भी आप मांग रहे हो गॉड से, वो इवेंचुअली आपको एक बैलेंस्ड वे में मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में अगर शुरू से ही एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन रही है तो अब आप देख सकोगे कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इस वे में ब्यूटिफुली शिफ्ट होंगी कि अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट के यूनिवर्स इज रियली वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू, और कुछ कॉस्मिक इवेंट्स के चलते आपकी जिंदगी में वो कह सकते हैं ना ब्लिसफुल एनर्जीज एंटर करने वाली हैं। आपकी जिंदगी ब्लॉसम होने वाली है, एक खुशी की लहर आपकी जिंदगी में दौड़ने वाली है गाइस। तो सैड मत रहिए, खुद में वो एक इंस्पिरेशन जगाने की कोशिश कीजिए, देखना जिंदगी आपके लिए कैसे ब्यूटिफुली टर्न करती है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में आपके पर्सन आने वाले हैं और साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन, मैरिज, एंड बहुत लोगों के लिए ये पहली बार भी यूनियन हो सकता है। अगर आपने अपने पर्सन को कभी देखा नहीं, मिले नहीं हो इनसे, तो आपके पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। इनकी लाइफ में जिस बात को लेकर भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस को कॉन्कर करते हुए एक नाइट की तरह ये आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे गाइस। आपके लिए ढेर सारा लव लेकर आएंगे क्योंकि टेन ऑफ कप्स इज द अल्टीमेटली अ हैप्पी कार्ड, अ हैप्पी फैमिली कार्ड। तो जब यहाँ पर हैप्पी और फैमिली दोनों ही की बात हो रही है तो सब कुछ भी मेंड होने वाला है यहाँ पर। इवन आप लोगों की फैमिलीज में गेट टुगेदर भी हो सकता है। जब फैमिलीज में गेट टुगेदर होता है तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैरिज एंड सेरेमनीज एटसेट्रा, राइट? तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल वे में आप लोगों के लिए शिफ्ट होगा गाइस, क्योंकि सन वाली एनर्जीज आप लोगों पर रूल कर रही है इस सीजन में। ये यूनिवर्स का एक पार्ट है, सन इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जब सन इज स्माइलिंग एट यू तो आपको भी अपनी जिंदगी में एक चेंज, एक सुधार लेकर आना होगा
और सन की एनर्जीज आपके साथ रहेंगी तो आप कभी हार ही नहीं सकोगे। ऑप्टिमिज्म आपके अंदर बना रहेगा, यू नो, कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। मजबूरी में किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, मजबूरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप दिल से किसी चीज़ को नहीं चाहते, वो चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी गाइस। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ को तो उसे सच्चे मन से चाहिए, तभी वो आपको मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस एंड सजेशन मैं बताने जा रही हूँ, सेल्फ लव एंड रेजिस्टेंस। तो ऑफकोर्स मैंने जैसे कि कहा, आपके अंदर एक सेल्फ लव की कमी होगी अभी राइट नाउ। कई सारे लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, और अगर आप अपने हार्ट चक्रा पर ज़्यादातर काम करोगे तो कई सारी चीज़ों को आप भुला भी दोगे, ग्रजेस को हटा दोगे, गिल्ट से हट जाओगे, यू नो, सेल्फ लव में आओगे। सेल्फ लव में आओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी को एक कंट्रोल्ड मैनर में लेकर आगे बढ़ोगे। मतलब किसी के, कहते हैं ना, रहम और करम पर आप नहीं चलोगे, आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को खुद डिसाइड करोगे कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। कंट्रोल्ड मैनर में आप अपनी ज़िंदगी को लीड करोगे कि यू आर द लीडर, यू आर ऑन अ ड्राइविंग सीट, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ड्राइव करके लेकर जा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो यही यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन गाइडेंस थी। जस्ट बी इन योर ओन एलिमेंट गाइस, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप अपने पावर्स में रहिए ताकि कोई आपको हिला ना सके, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सकें, डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। आप जो चाहते हो वही आप चाहते हो और वही आपको चाहिए, बस यही कंट्रोल आपको रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रैक्शन। आपके मैनिफेस्टेशन पाथ पर अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती है तो जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वही उसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कीजिए जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। ऑलराइट, तो आई होप ये जो शिफ्ट है यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपकी तरह कई सारे लोग अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प मिल जाएगी और ये आपके लिए भी एक ब्लेसिंग्स का काम करेंगी कि आप भी उनको गाइडेंस ही शो कर रहे हो। राइट, ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।